Hey, hello guys, welcome back to my new video. दोस्तों अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप हर एक फ्लैश कार्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले तो द नंबर वन थिंग यू नीड टू लर्न इज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आपने देखा हो जो भी प्रो कैरेक्टर लेके जाते हैं, जो भी प्रो प्लेयर्स होते हैं वो न्यू कैरेक्टर लेके जाते हैं, तो पहले तो आपको लेना है हयातो या फिर मोको। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं या फिर आप दोनों ले सकते हैं। तो हयातो बेसिकली चलता क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको M1887 का वन शॉट मारेगा, आप उसको टू शॉट्स में ही ख़त्म कर देंगे। नॉर्मली बंदा थ्री शॉट्स में ख़त्म होता है। और मोको एक हैकर है, इसकी स्किल का नाम भी एक हैकर ही है। ये टू सेकेंड्स के लिए एक टैग लगा देते हैं अपने एनिमी के ऊपर कि अगर वो घर के इधर उधर हो या घर के अंदर हो वो आपको टैग बता देगा 2 सेकेंड्स के अंदर। आपके टीममेट के साथ भी वो शेयर होगा ये इनको। चलिए गाइस नंबर टू पे आते हैं। अगर आप टॉकेंट पे जाते हैं तो आप कौन से कैरेक्टर पिक कर लेते हैं? आपको पिक करना चाहिए जोसेफ या फिर केली। ये आपको स्ट्रेंथ देगा स्पीड इंक्रीज बाय 5। अवेकनिंग आपको स्ट्रेंथ को 4 सेकेंड टू एक्टिवेट व्हेन इट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट इंफ्लिक्ट 105 डैमेज। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी हेल्पफुल आई थी केली। और जोसेफ मूविंग एंड स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज बाय 10। आपको 10% ज्यादा इंक्रीज करेगा आपकी स्पीड। अब हम जाते हैं पावर फिलिंग पे। पहले तो नंबर वन पे आते हैं आलो, डीजे आलो। ये आपको हेल्प देगा और आप इसके साथ साथ आपको मूवमेंट स्पीड भी देगा। बल्कि गेम अभी इधर ख़त्म नहीं हुई है। के भी आपको आपकी पावरफुल करेगा आपकी ईपी यूज करके। आई रिकमेंड कि आप लोग आलोक लें के ना लें, क्योंकि ईपी फिर आपकी चली जाएगी या आपको एक्सपी में आपकी कन्वर्ट करेगा ईपी। ये आपकी गेम के लिए फायदा है बल्कि ईपी आपको ज़्यादा चाहिए लेवल अप करने के। तो गाइस और ये बात भी है कि ये मूवमेंट स्पीड नहीं देता जबकि आलोक देता है। तो फिर गाइस पहला राउंड होता है, आपके पास कोई वॉल या कुछ नहीं होता, तो पहले राउंड को विन करने के लिए आपको चाहिए होता है कवर ब्लू वॉल। आप ये मत सोचें कि आपके पास ज्यादा मनी आ जाएगी या पहले राउंड में यूएसपी लेगी आप हमारे, नहीं, आपके एनिमी के पास ज्यादा मनी आ जाएगी। आपके पास तो फार्मर्स जितनी मनी आएगी, फार्मर्स को तो आप रिलेट कर सकते हैं यूएमपी से। तो अच्छी गन्स लेनी है तो पहले राउंड हमेशा विन करें, किसी घर में होल्ड कर लें। जैसे सामने वाले एनिमी खुले में आएंगे आप उनको उनके ऊपर रश कर दें, उनको टपका दें और
उनके पास कोई कवर नहीं होगा, वो खुले में होंगे, आप इजीली कवर लेकर उनको मार सकते हैं। गाइस एक और टिप भी है जिसमें ये है कि स्क्वाड के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन से वर्क कर सकते हैं, आप कैसे क्लैश कोड विन कर सकते हैं। तो ये है कि लेफ्ट साइड से जहाँ से बंदे आ रहे हैं उधर आप अपने तीन बंदों को भेजें या खुद जाके उधर ले जाएं और उधर जाके उनसे लड़ें, और एक बंदा दूसरी साइड से आके लॉन्ग रेंज गन लेकर एडवांटेज देगा आप लोगों को। आप लोगों ने लेफ्ट साइड से जहाँ पर बंदे आ रहे हैं शॉर्ट रेंज गन लेनी है, फिर ऐसे आपको फायदा होगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग फ्री फायर की ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।